Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire and a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes, this was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio revival, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad, finally, the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin. But despite that, they won the heart of 135 crore Indians. Sir, in Hindi, if you do, इतने सालों बाद ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल और वो भी गोल्ड ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं सर जिस तरीके से इंडियन कंटिंजेंट ने तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया है सात मेडल कई ऐसे खेल जहां पर हमें मेडल मिले फॉर एग्जाम्पल हॉकी एक अलग माहौल सा बन गया है देश के अंदर में ये कैरी फॉरवर्ड आपको लगता है सर होगा जरूर देखिए 41 साल के सूखे को खत्म किया तो हॉकी की टीम ने किया ब्रॉन्ज मेडल भी जीता वहीं पर महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करके शानदार प्रदर्शन किया कुल मिलाकर जो हमारा कंटिंजेंट गया था उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है गोल्फ में देखिए अदिति अशोक बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है दीपक पुनिया को देखिए बहुत क्लोज मार्जिन से गया ऐसे बहुत सारे मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि सुधार बहुत हुआ है और इसके पीछे कारण रहा कि जो टॉप स्कीम में भी एलीट एथलीट्स के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया देश विदेश में उनकी ट्रेनिंग कराई गई उनके रहने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की सुविधाओं की चिंता की गई अंततः खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होता है और खुशी इस बात की है कि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से सुपर पावर बनना होता है नॉट जस्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है बहुत आगे जाना है अभी तो शुरुआत है और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते कपिल देव उसके कैप्टन थे तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप जीत सकता है लेकिन उसके बाद उम्मीदें भी बढ़ती गई बीसीसीआई ने भी अच्छा काम किया नीचे से खिलाड़ी भी लगातार आते गए इवेंट्स जितने ज़्यादा होंगे लोकल भी और ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी उसका लाभ मिलेगा और मुझे लगता है शुरुआत अच्छी हुई है आने वाले
2024 और 2028 की ओलंपिक्स के लिए एक रणनीति के तहत हम उतरेंगे ताकि भविष्य में और मेडल जीत सकें।